नमस्कार, न्यूज वाली इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ब्रेटिंग की शुरुआत करेंगे। बजट सत्र 2023 के कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई है। पीएम मोदी मकर संक्रांति और बजट सत्र की शुरुआत के बीच अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार नए चेहरों को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा और साथी बता दें कि कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा पार्टी जनवरी में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी करेगी और साथ ही राजनीतिक हलकों पे भी चर्चा कर सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कुछ सांसदों को नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सूत्रों ने कहा है कि क्या विस्तार इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा कि अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर हटाया भी जा सकता है। मोदी 2.0 कैबिनेट में आखिरी बार फेरबदल 7 जुलाई 2021 को हुआ था, जिसमें कुछ प्रमुख नाम समेत 12 मंत्रियों को हटा दिया गया था। 2023 में तमाम राजनीतिक दलों के एक बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले साल में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और साथ ही बता दें कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी शामिल होंगे। ये चुनाव इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इस साल गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। अब बीजेपी की नज़र त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले चुनावों पर है। चीन में जहां कोरोना वायरस सबसे पहले फैला था, वही संक्रमण के बढ़ते मामले अब दुनिया भर को चिंता में डाल रहे हैं। ज्यादातर देशों में कोरोना के मामले कम हो गए थे, साथ ही बता दें लेकिन चीन में अब जो हालात देखे जा रहे हैं उसमें अन्य देश काफी सतर्क हैं। भारत, अमेरिका और जापान के बाद खबर की है कि ब्रिटेन में चीन में आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर जांच करना पड़ेगा। वही चीन से आने वाले यात्रियों को ब्रिटेन में अपनी कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वही ब्रिटेन सरकार चीन से आने वाले यात्रियों को जल्द ही गाइडलाइन घोषित कर रही है, जो यात्रियों की मनमानी होगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अमेरिका में नए कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच चीन से आने वाले यात्रियों के लिए नए कोरोना उपायों को लागू करने का विचार रखा गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में कोरोना मामलों में उछाल और संक्रमितों की संख्या में पारदर्शिता न होने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले 30 दिसंबर से जापान के चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि बता दें कि इस दौरान फैसला मैनलैंड चीन के यात्रियों और उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने पिछले 7 दिनों के भीतर वहां की यात्रा की थी। जापान पहुंचने पर उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा और साथ ही कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर 7 देशों में क्वारंटीन किया जाएगा। बता दें कि इसको लेकर मंगलवार को जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस फैसले का घोषणा किया है। भारतीय टीम के स्टार आपको बता दें कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ शुक्रवार को तड़के बड़ा हादसा हुआ है। रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और साथ ही बता दें कि पंत खुद ही कार चला रहे थे। फिलहाल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहां उनकी कई सारी जांचें भी कराई गई है। बताया जा रहा है कि पंत को सबसे ज्यादा चोटें सिर और पैर में आई है, इसी के चलते उन्हें ब्रेन और सप्लाइन में भी MRI स्कैन भी कराया गया है। साथ ही बता दें कि जिसके रिपोर्ट के सामने आने के बाद से इस रिपोर्ट में फैंस और खुद पंत को बड़ी राहत दी है। बता दें कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है। डॉक्टर ने बताया है कि ऋषभ पंत की अब भी कई और जांचें होनी है, इसमें टखने और साथ ही बता दें कि घुटनों का भी MRI स्कैन कराया जाएगा, मगर इसे टाल दिया गया है क्योंकि पंत को काफी दर्द हो रहा है और सूजन भी है। अब यह स्कैन आज कराया जा सकता है। साथ ही बता दें कि कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत के चेहरे पर चोट आई है और कई कटे फटे घाव भी हुए हैं। साथ ही बता दें कि कुछ खरोचे भी देखने को मिली है। अब इसको ठीक करने के लिए पंत ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। ऋषभ पंत को दाएं पैर के घुटने और साथ ही टखने में भी बता दें कि
लिकमेट की समस्या हो गई है। इसके कारण मैक्स अस्पताल में डॉक्टर्स ने ऋषभ पंत को घुटने पर पट्टी बांधी है। झांसी में देश के प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रतिभाएं भी ऐसी कि उनकी उम्र देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे चंद मिनट में इतने बड़े सवाल का जवाब दे रहे हैं। स्मार्ट किड्स ओवकेस अकादमी में ऐसे ही प्रतिभाओं को आज सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को सिपड़ी बाजार गुरुद्वार के पास स्थित शास्त्री सदर के स्मार्ट किड्स ओवकेस एकेडमी में तत्वधान आयोजित किया गया था। बता दें कि इसमें सम्मानित समारोह में मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर नीति शास्त्री द्वारा प्रतिभा आंडवी महलोत्रा को ताइनवा का पेपर और साथ ही बता दें कि श्रेष्ठ खुराना को 3 मिनट में 80 प्रश्न और ऑनलाइन हल करने के पर प्रशस्ति पत्र दिया गया है। विदेश ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। इस दौरान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि समाज सेविका डॉक्टर नीति शास्त्री ने कहा है कि वर्तमान युग में गणित विषय का ज्ञान बच्चों के मानसिक व्यायाम में सटीक उदाहरण है। नन्हे बच्चों के द्वारा वैश्विक पुरस्कार पाना गौरव की बात है। वहीं उन्होंने स्मार्ट किड्स ओवकेस अवकेस एकेडमी में डॉक्टरेट बता दें कि डायरेक्टर मेधा अंकुश खुराना ने इस आयोजन पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। बहराइच में नववर्ष में पूर्व शांति व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी दिनेश चंद और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा घंटा घर में पीपल तिराहा पहुंच होते हुए रोडवेज तक पैदल गश्त और फुट पेट्रोलिंग की गई है। बता दें कि इस दौरान वे निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान जन सामान्य से वार्ता स्थापित करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नया वर्ष मनाने की अपील की गई है। बता दें कि नववर्ष को लेकर शांति व्यवस्था को लेकर बता दें कि लगातार निरीक्षण करते हुए प्रशासन और बड़े बड़े अधिकारी नजर आ रहे हैं और इस दौरान शांति से नववर्ष मनाने की लोगों से अपील करते हुए वे नजर आए हैं। सबसे पहले जनपद बहराइच वासियों को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा जैसा कि अभी आपको जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम, उनका पालन करते रहें। इसके अतिरिक्त इस समय कोहरा बहुत हो रहा है और सड़कों पर कोहरे के कारण एक्सीडेंट की कई सारी घटनाएँ हो रही हैं। ऐसे अवसर पर अपने वाहन को नियंत्रित गति में चलाएँ, हेडलाइट वगैरह को ठीक रखें और जो ट्रैफिक के नियम हैं जैसे कि हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट पहनना, इन सब का पालन करते रहें। सर 31 दिसंबर अतिरिक्त जो नववर्ष की पूर्व संध्या होती है उस पर काफ़ी संख्या में युवा मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के लिए निकल जाते हैं और इसके अलावा कई लोग जो है अल्कोहल का सेवन करके वाहन चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक चेतावनी भी है और उनसे एक अपील भी है कि इस प्रकार का कृत्य ना करें, या आपके जीवन क्या हो सकता है। और लगातार हमारी पुलिस चेकिंग जारी रहेगी, जो लगातार अल्कोहल पी करके और सड़कों पर स्टंटबाजी कर रहे हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बता दें कि नववर्ष को लेकर लगातार पैदल गश्त और फुट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं प्रशासन और बड़े अधिकारी। नववर्ष को लेकर उन्होंने शांति से मनाने की लगातार अपील की है। बता दें कि ये बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नववर्ष को लेकर खुद पुलिस प्रशासन और बड़े अधिकारी सड़क पर उतरे हैं और वे इस दौरान निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, साथ ही लोगों से नववर्ष को लेकर शांति से मनाने की अपील करते नजर आ रहे थे। बहराइच का ये खबर है, ये तस्वीर है जहां पर बता दें कि नववर्ष के खास मौके पर जहां देश दुनिया में एक अलग ही धूम, अलग ही खुशी देखने को मिल रही है, वही बहराइच की ये तस्वीर है जहां पर बता दें कि नववर्ष के पूर्व शांति व्यवस्था के मद्देनज़र जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के द्वारा खुद ही सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करते हुए साथ ही लोगों से नववर्ष के मौके पर शांति से नववर्ष मनाने की अपील करते हुए नजर आए थे। बता दें कि घंटा घर से पीपल तिराहा होते हुए वहां पर वे निरीक्षण करते हुए नजर आए थे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जकी सिद्दीकी संवाददाता बहराइच से जुड़ गए हैं। और आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से नववर्ष को लेकर पूरे देश में और एक खुशी का अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, बहराइच में नववर्ष को लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद ही सड़कों पर उतरे हुए नजर आए हैं, खुद ही निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान वे लोगों से क्या कुछ उन्होंने अपील की है और किस तरीके से वे निरीक्षण करते नजर आए? जी हाँ, आपको बता दें, नौ वर्ष के पूर्व कानून सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने खुद ही कमान संभाल ली है और लोगों को जो है आपको आवाज आ रही है मेरी? और ये बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बता दें कि लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक। और इसी मामले पर हमारे साथ जकी सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं बड़े प्रशासन के अधिकारी, जिला अधिकारी, कैसे उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही बता दें कि इस दौरान लोगों से वे अपील करते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से नववर्ष को लेकर काफी उत्पाद और काफी चीजें नववर्ष के वजह से देखने को मिलती है, तो उन्होंने अपील की है कि नववर्ष के समय आप आराम से शांति से नववर्ष के जश्न मनाएं। और जकी सिद्दीकी एक बार फिर हमारे साथ इस मामले पर जुड़ गए हैं। जकी, जिस तरीके से नववर्ष को लेकर अलग ही एक खुशी का माहौल देश दुनिया में देखने को मिलता है और बहराइच में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद सड़क पर उतर कर निरीक्षण करते नजर आए और लोगों से अपील भी उन्होंने की है, क्या कुछ कहना था उनका? जी हाँ, आपको बता दें कि बहराइच में जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा पैदल गश्त किया गया है। वही नववर्ष की शांति व्यवस्था को देखते हुए पीपल चौराहा और रोडवेज पर पैदल फुल पेट्रोलिंग की है और लोगों से, आम जनमानस लोगों से, सभी से अपील की है कि कोविड पर ध्यान रखते हुए बहराइच में नववर्ष अच्छे से और शांतिपूर्ण ढंग से मनाए। जिस तरीके से नववर्ष को लेकर कई जगहों पर एक अलग माहौल देखने को मिलता है, कुछ उपद्रवी होते हैं जो नववर्ष के मौके पर उपद्रव मचाते हैं, इसको लेकर प्रशासन ने कैसी गाइडलाइन जारी की है? प्रशासन से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है नववर्ष पर, किस तरीके से वे अपना व्यवस्था रखेंगे जिसकी वजह से लोग शांति व्यवस्था के साथ नववर्ष का जश्न मना सके? यह आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें, जिसको लेकर उन्होंने सभी रेस्टोरेंट और जो भी जितने भी बार वगैरह हैं उनको लेकर बताया गया है कि आप लोग सही और सुरक्षा से इस्तेमाल करें ताकि कोविड में किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कतें ना हो। और यहाँ तक कि उन्होंने, ये जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि महिलाओं को लेकर काफी लोग सुरक्षित रहें जिससे किसी भी कोई अभद्रता या कोई ऐसी परेशानियां ना आए, वही प्रशासन की नजर चौबंद है। बिल्कुल जंकी, सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बहराइच की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रशासन और जिला अधिकारी की तरफ से बता दें कि निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं, सड़क पर खुद ही वे उतरे हैं। बदायूं जिला महिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में भर्ती प्रस्तुता के भोजन में चूहे की पॉटी निकली है। बता दें कि प्रस्तुता ने जैसे ही भोजन को खाया उसे उल्टी होने लगी। प्रस्तुता ने अपनी सास को इस मामले की जानकारी दी और कहा कि इसमें कुछ है जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद पता लगाया गया तो भोजन में चूहे की पॉटी निकली है। बता दें कि इसको लेकर अस्पताल की CMS को इस मामले की जानकारी दी गई है। उन्होंने बता दें कि किचन के कर्मचारियों को बुलाकर फटकार लगाई है। ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। बदायूं के महिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में बता दें कि प्रस्तुता जब वो खाना खा रही थी तब उसे खाने में चूहे की पॉटी मिली है और ये कहीं ना कहीं अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है।
महोबा के यूपी 112 के प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय जागरूकता अभियान की शुरुआत आज देर शाम पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने फीता काटकर किया है। शहर के आल्हा चौक और साथ ही किरण सागर तट पर स्टॉल लगाकर लोगों ने यूपी 112 के संबंधित जागरूक किया है, साथ ही ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में और इमरजेंसी के समय पुलिस की सहायता आम नागरिकों तक पहुंचकर कैसे पहुंचे और इसको लेकर लोगों के बीच प्रचार प्रसार का काम हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन और यूपी पुलिस की इमरजेंसी सेवा यूपी 112 के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। आयोजन किया गया आपके द्वारा क्या? ये यूपी 112 हेडक्वार्टर के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में नववर्ष के शुभ अवसर पर ये जागरूकता संबंधित अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 112 के बारे में जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो वो फायर सर्विस से भी इमरजेंसी के लिए प्लस आपकी अपनी किसी भी इमरजेंसी के लिए और डिजास्टर इमरजेंसी के लिए ये सबके लिए जो उपयोग हो सकता है, उसके लिए 30, 31 और 1 तारीख को इसमें जागरूकता अभियान के तहत जनपद में 2 स्थानों पर इसके कियोस्क स्थापित किए गए हैं, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। इसके द्वारा विभिन्न जो पैम्फलेट्स हैं वो वितरित किए जा रहे हैं हम लोगों के द्वारा। इसमें हेडक्वार्टर के द्वारा भी पैम्फलेट्स प्रदान किए गए हैं, जिसमें जागरूकता से संबंधित सभी बातों का समावेश किया गया है और ये आम आदमी के लिए ये वितरित किए जा रहे हैं। सभी आप पत्रकार बंधुओं को भी ये वितरित किए गए हैं कि आपके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार हो सके और ये 3 दिन तक ये अभियान चलता रहे। महोबा में कुल पहाड़ रेलवे स्टेशन के पास झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन पर लगातार 35 वर्षीय अज्ञात युवक का कटा हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा मृतक की शनाख्त कर भसरक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मृतक की शनाख्त न होने के कारण मृतक के शव जिला अस्पताल के मुर्दा घर में ही रखवाया गया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं युवक की मौत ट्रेन से कटकर होने की बात सामने आई है। युवक कौन है और कहां से आया है, पुलिस इस मामले पर हर पहलू पर गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। बलरामपुर के विकासखंड गैसड़ी के अंतर्गत ग्राम सभा महुआ में नाली का निर्माण कराया जा रहा है। नाली निर्माण में पीली ईंट बालू समेत बता दें कि सीमेंट का 12 मसाले से कराया जा रहा है। बता दें कि नाली में पुराने नाली और साथ ही उखाड़े खड़ेंजे की पुरानी ईंट पाई गई है। गुणवत्ता को ताक पर रखकर नाली निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ग्राम सभा महुआ में नाली का निर्माण कराया जा रहा है और अधिकारियों ने ग्राम प्रधान को इस मामले को लेकर कोई फटकार नहीं लगाई है। घटिया सामग्री के प्रयोग को लेकर ग्रामीण लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ पुरानी नाली और साथ ही बता दें पुरानी नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर पुराने ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जो ग्रामीण है वे परेशान है, इसको लेकर वे विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और बता दें कि इस मामले को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महोबा में कस्बा बेलाताल के नयापुरा निवासी 35 साल की बिजन नामक युवक शराब पीने से आदि था। शुक्रवार की दोपहर वे शराब पीकर घर आया और परिजनों के कहासुनी होने की वजह से युवक ने जहरीले पदार्थ सल्फास का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब है। युवक की हालत देख उसके परिजन के द्वारा उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत की खबर सुनते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं चिकित्सक प्रशासन के द्वारा मृतक के शव को मुर्दा घर में रखवा कर मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। बता दें कि फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। चलिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।